हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ना कोई मैं ब्लॉग लेके आई हूँ और ना मैं कोई भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस आज जो मेरे दिल में है मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ हर वक्त सह रहे हैं तो और देख रहे हैं तो हमसे नहीं देखा जा रहा। और तो मैं कई दिन से, जैसे कि आपको पता ही है, इस टाइम पर निधि की दुनिया शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हों, जो नए मेरे से जुड़े हैं शायद ना जानते हों। तो मैं उनसे आज सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, तो मैं जिस चैनल का नाम ले रही हूँ उस चैनल पर जरूर जाइएगा। तो उन निधि के संग जो हुआ है वो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, क्योंकि निधि के संग बहुत ही बुरा हुआ है। तो निधि को मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो किया, मतलब 4-5 दिन मुझे भी हो गए फॉलो करते हुए। उनकी मैंने जितनी भी दिन में वीडियो आई सारी वीडियो मैं वॉच कर रही हूँ, और बस वो वीडियो वॉच करती हूँ तो फिर आंखों से अपने आप ही नेचुरली आंसू अपने आप आते हैं, क्योंकि जितना कम उन्हें दिया है भगवान किसी को वो कम ना दे। और वो हरियाणा से हैं और उनके साथ ये लगभग 2 साल हुए हैं, और 2 साल के बाद ही उनके संग ऐसा होना था। उन्होंने खैर सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ दुख भी इतना बड़ा दुख इतनी जल्दी आ जाएगा। एक होता है कि हम बच्चों की शादी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दुख आता है तो सहन करता है इंसान, तो बस ये कहेंगे। लेकिन उनके संग तो इतना बुरा हुआ, भगवान ने एक बेटा दिया बहुत ही प्यारा सा, विहार नाम है उस बच्चे का। और लेकिन उस बच्चे का शायद नसीब अच्छा नहीं था कि पापा उस बच्चे को खुद प्यार नहीं मिल पाना बाप का। तो जिस दिन उस बच्चे का नामकरण था, मतलब जिस दिन पैदा था, कुआ पूजन, उसी टाइम पर उसके पापा की डेथ हो गई। तो सोचिए कितना बुरा दिन रहा होगा उसके लिए, उस वाई औरत लेडीज़ के लिए, जिसके बेटे का जिस दिन कुआ पूजन है और उसके हस्बैंड को भगवान ने उठा लिया, उसको स्वाग छीन लिया, तो शायद सबसे बड़ा गम उसके लिए यही होगा। और उसके बाद कहते हैं ना, वो कोई भी इंसान वो टूट गई, ये दर से भी एक लेडीज़ समझ सकती है। जो ये नहीं होता कि वो लेडीज़ हो मैं ही लेडीज़ हो वो भी समझेगी, और जो वैसे हैं वो भी समझेंगी, क्योंकि ये दुख शायद किसी पे भी ना आए। मैं तो कहता हूँ भगवान से यही दुआ करती हूँ किसी पे ये दुख ना आए। और ये बात और सही है कि भगवान अब उनको चैनल सब ग्रो कर रहा है, तो मैं सबसे कहूँगी कि यार प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट की ज़रूरत आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और उनका चैनल को काफ़ी अच्छे से ले जाइए, जिससे वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सके और उनमें अच्छे से हिम्मत आ सके। तो मैं निधि आपसे मैं खुद करती हूँ प्रॉमिस कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब से मैंने आपका वीडियो देखा है मुझे अच्छा लगता है। आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट पूरा करूँगी। और जब तक मैं सपोर्ट करूँगी पूरी मेरी कोशिश है कि भगवान करे आप जल्दी से बहुत ही आगे आपका चैनल जाए और आपकी जो लाइफ में टेंशन है वो थोड़ी कम हो। क्योंकि शायद ना जब हमें छोटे बच्चे को पाल इतने छोटे बच्चे को हमें पालना होता है, और बिन जब माँ बनना, माँ और बाप दोनों साथ बनना होता है, तो बहुत ही कठिनाई वाला वो सब वो लाइन समय होता है, कठिनाइयों से भरा होता है वो समय। तो बस आप थोड़ा स्ट्रांग बनो और हिम्मत रखो, वो दुख आपका कोई भी बांट नहीं सकता। बस ये है कि आप डेली अगर जुड़े रहोगे हमसे, हम लोगों से जुड़े रहोगे, डेली वीडियो डालोगे, तो उससे आपका थोड़ा दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन आपका थोड़ा मन उस चीज़ में लगा रहेगा और अपने बच्चे की अच्छी सी परवरिश कर सकते हो आप अच्छे से। बस हम तो यही कहेंगे, हम सबका सपोर्ट आपके साथ है। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट जरूर करिएगा। जो नहीं जानते निधि की दुनिया सर्च करिएगा, उनका नया चैनल खुला है। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, निधि को सपोर्ट कीजिए, जरूरत बहुत ज़्यादा है। चलिए।